Hello students, now today we will start the ascending and descending order. We will continue our chapter, that is fraction. Okay, now in ascending, you understand very well the meaning of ascending, that is smaller to greater. छोटे से बड़ा है ना. एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी अरेंज द नंबर्स इन ग्रेटर टू स्मॉलर, बड़े से छोटे नंबर की ओर हम अरेंज करते हैं. जैसे हमने बताया था आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, कि जब हम अपने घर पे या कहीं भी स्टेयर्स पे चढ़ते, स्टेयर्स मीन सीढ़ियां सबके घर में होती है और हर जगह हम पर चढ़ते हैं ना, तो जब हम सीढ़ियों से चढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, वो ऑर्डर कौन सा ऑर्डर होता है आपका, दैट इज द असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, सब फोर्ट पे गए हैं. स्टॉल में सबसे फेमस क्या है यहाँ पे, हमारा फोर्ट, दैट इज किला, हमारा किला है. अब किले पे आप टेंपल पे गए हैं, ठीक है. अब उस टेंपल पे चढ़ने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है बताइए. सीढ़ियों से चढ़कर जाते हैं आप, गए ना कभी मंदिर पे ऊपर, तो किससे चढ़ते हैं आप, सीढ़ियों से. तो जब आप नीचे की सीढ़ी से ऊपर किसी और बढ़ते हैं तो वो वाला ऑर्डर आपका क्या होता है, दैट इज द असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर होता है वो. और जब आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो वो ऑर्डर कौन सा हो जाता है आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर है ना. जब आप टॉप पे दर्शन कर लिए मंदिर में सब कुछ, अब जब नीचे आना है आपको तो आप सबसे पहले टॉप सीढ़ी पे होते हैं, फिर उसके बाद उसके बॉटम 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 ऐसे नीचे की ओर इस तरीके से आते हैं और सबसे नीचे की ओर आ जाते हैं, तो वो ऑर्डर कौन सा ऑर्डर आ रहा है आपका, दैट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर. क्लियर, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों. तो यहाँ पे हम आज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे फ्रैक्शंस, ठीक है ना. Now children, you see the activity 5, clear? That is which activity? Activity 5. Now activity 5, I read the question number 1, that is arrange in ascending order. So question number 1 is what is it? That is ascending order. हमें इसमें चेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर. एंड द फर्स्ट ए पार्ट इज गिवन, दैट इज 6/7, 5/7, 1/7 एंड 4/7. क्लियर, अब हमारे पास में ये फ्रैक्शन गिवन है. अब इस फ्रैक्शन में बच्चों आप देखेंगे ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम. सबसे पहले हमने इस फ्रैक्शन में क्या देखा कि सारे डिनोमिनेटर हमारे सेम है. इट मीन्स विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज दिस, यस दिस इज अ लाइक फ्रैक्शन. हमने आपको लाइक फ्रैक्शन एक्सप्लेन किया था, तब बताया था लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है. अब इस फ्रैक्शन में हमारा क्या है, सेम डिनोमिनेटर है. इट मीन्स दिस फ्रैक्शन इज अ लाइक फ्रैक्शन. और जब लाइक फ्रैक्शन गिवन है तो उसमें हम किस चीज से कंपेयर करते हैं कि ये छोटा है और ये बड़ा है देखने के लिए, ओनली विद द न्यूमरेटर्स. हम न्यूमरेटर को देखते हैं बच्चों. तो न्यूमरेटर्स यहाँ पर 6, 5, 1, 4 इज गिवन, ये दिए हैं. अब इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है हम वो देखेंगे. तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 1. इट मींस 1/7 फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द अदर. 1/7 वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा है इन सब में से, ठीक है. तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे बच्चों, 1/7. अब नेक्स्ट हमारा 1/7 गया. अब हमें इसमें से देखेंगे 6, 5, 4. अब 6, 5, 4. इसमें से सबसे छोटा कौन सा हुआ, 4. इट मीन्स 4/7 दैट फ्रैक्शन. उसके बाद हमने ये किया. अब हमारे ये दोनों फ्रैक्शन चले गए. बच्चे
बचे सिक्स और फाइव वाला नंबर बचा, तो सिक्स और फाइव न्यूमरेटर में देखेंगे तो कौन सा स्मॉलर हुआ, दैट इज फाइव, इट मींस दिस फ्रैक्शन फाइव अपॉन सेवन। एंड लास्ट हमारा बचा कौन सा फ्रैक्शन, दैट इज सिक्स अपॉन सेवन। इन दिस वे वी अरेंज स्मॉलर टू ग्रेटर इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर दिया। तो बच्चों आपको सबसे पहले क्या चीज याद रखनी है, अगर लाइक फ्रैक्शन गिवन है तो सिर्फ हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे, और न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना बहुत इजी है असेंडिंग में। ये देखना है कि सबसे छोटा कौन सा, उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। क्लियर? नाउ यू सी द बी पार्ट। अब बच्चों इसका बी पार्ट देखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। द बी पार्ट इज दैट इज वन अपॉन थ्री, वन अपॉन सेवन, वन अपॉन नाइन एंड वन अपॉन सिक्स। क्लियर? दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज गिवन। अब इसमें बच्चों आपने क्या देखा, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट बट ऑल द न्यूमरेटर्स आर सेम। जब हमारा सेम न्यूमरेटर होता है तब क्या करते हैं, ये भी बताया था आपको, जब हमारा सेम न्यूमरेटर होता है बच्चों तो इसमें हमें क्या चीज ध्यान में रखनी थी, बताइए बताइए। यस, हमें ये देखना था कि इसमें डिनोमिनेटर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आपने यह देखा नीचे डिनोमिनेटर में क्या क्या नंबर गिवन है, थ्री सेवन नाइन सिक्स, अब इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, दैट इज नाइन। और जो सबसे बड़ा है वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। ठीक है, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसे हम क्या लेते हैं, एज अ स्मॉलर नंबर, तो वो वाला सबसे छोटा हो गया। तो ये फ्रैक्शन वन अपॉन नाइन इज अ स्मॉलर ग्रेट इज अ स्मॉलर फ्रैक्शन। सबसे बड़ा जो है न्यूमरेटर में जो नंबर वो सबसे छोटा होगा, तो ये क्या हो गया, सबसे छोटा वाला। तो हमने क्या किया बच्चों, इसका आंसर में सबसे पहले हमने कौन सा फ्रैक्शन लिखा, वन अपॉन नाइन। उसके बाद हमने देखा नाइन से थोड़ा सा बड़ा मीन्स की उसके बाद वाला हमने देखा तो कौन सा होगा, दैट इज वन अपॉन सेवन। फिर उसके बाद वन अपॉन सिक्स, नेक्स्ट इज वन अपॉन थ्री, क्योंकि थ्री सबसे छोटा है मीन्स ये सबसे बड़ा होता है। अभी हमने बताया था जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, तो नाइन के बाद कौन सा नंबर है, सेवन, सेवन के बाद सिक्स, सिक्स के बाद थ्री। तो ये इस तरीके से इसका असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टूडेंट्स सी एंड डी सेल्फ डूइंग होमवर्क। क्वेश्चन नंबर वन का आपको सी और डी का होमवर्क करना। स्टूडेंट्स नाउ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर टू। नाउ क्वेश्चन नंबर टू दैट इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको किसमें अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मीन्स ग्रेटर टू स्मॉलर। अब हम देखेंगे नाउ द ए पार्ट वी सी दैट इज नाइन अपॉन फिफ्टीन, इलेवन अपॉन फिफ्टीन, सेवन अपॉन फिफ्टीन एंड फोर्टीन अपॉन फिफ्टीन। नाउ दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज, अब हम क्या देखेंगे, सबसे फर्स्ट नॉमिनेटर विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज गिवन, दिस इज अ लाइक फ्रैक्शन। व्हाई वी से दिस इज अ लाइक फ्रैक्शन, बिकॉज ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम, इसके सारे डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, लाइक फ्रैक्शन। नाउ वी सी लाइक फ्रैक्शन है, अब हमें डिसेंडिंग में करना है, मतलब सबसे पहले अपन न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा है उसे देखेंगे।
तो अब इसमें कौन सा नंबर बड़ा है बच्चों? दैट इज 40. तो ये वाला फ्रैक्शन सबसे ग्रेटर होगा, दैट इज 14 अपॉन 15. फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए 11 अपॉन 15, देन नेक्स्ट इज 9 अपॉन 15, एंड नेक्स्ट लास्ट वन दैट इज 7 अपॉन 15. इन दिस वे वी अरेंज. अब ये क्लियर समझ में आ गया बच्चों? अगेन आई रिपीट, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे हम ग्रेटर फर्स्ट. अगर हमने देखा लाइक फ्रैक्शन है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को ही कंपेयर करेंगे. अब न्यूमरेटर में जितने भी नंबर गिवन होते हैं उनमें से देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो वाला फ्रैक्शन सबसे पहले देखते हैं, फिर उसके बाद वाला नंबर देखते हैं, फिर उससे बाद इस तरीके से हम प्रोसीड करते हैं. क्लियर? नाउ यू सी द बी पार्ट. अब बच्चों आप इसका बी पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2. ये बहुत इजी है बच्चों, अगर एक पैटर्न आपको समझ में आ गया तो आप सेकेंड वन इजीली कर लेंगे. नाउ द बी पार्ट इज 4 अपॉन 7, 4 अपॉन 8, 4 अपॉन 9, एंड देन 4 अपॉन 6. नाउ अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, सारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है बट All the numerators are same. Numerators are same. Again, जब numerators same होते हैं तब हम क्या करते हैं बच्चों? When the numerators are same, then B. Now in question number 2, the B part 4 upon 7, 4 upon 8, 4 upon 9, 4 upon 6. Now students, अब आपको यहाँ क्या देखना है? Which type of fraction? That is the like. But here all the denominators are different. But the numerators are same. ये इसमें क्या given है? Numerator same है, लेकिन denominator सारे different है. तो इसको solve करने के लिए हमने क्या भी बताया था आपको कि जब numerators same होते हैं बच्चों, तो जो fraction means डिनोमिनेटर में जो नंबर सबसे छोटा होता है वो क्या कहलाता है? ग्रेटर. और जो सबसे छोटा होता है नंबर वो क्या कहलाता है? ग्रेटर. और जो बड़ा होता है वो क्या कहलाता है? स्मॉल. क्लियर? अब हमें यहाँ करना है डिसेंडिंग ऑर्डर. तो हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में से सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है, कौन सी डिजिट हमारी सबसे छोटी है. 7, 8, 9, 6. अब इसमें से सबसे छोटी कौन सी डिजिट है? दैट इज द 6. ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर फ्रैक्शन है. दैट इज वी अरेंज 4 अपॉन 6 फर्स्ट. जब न्यूमरेटर सेम होता है बच्चों तब हम डिनोमिनेटर में देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर किसका है, वही वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होता है. तो 4 अपॉन 6, 4 अपॉन 6, देन उसके बाद 6 के बाद कौन सा आएगा? दैट इज 4 अपॉन 7, एंड देन 4 अपॉन 8, एंड लास्ट 4 अपॉन 9. अब हम चेक कर सकते हैं, हमने बताया था जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो और न्यूमरेटर सेम है तो जो डिनोमिनेटर्स में सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटा हो जाएगा और जो छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है. तो ग्रेटर में हम बड़े से छोटे की तरफ चले तो हमने सबसे पहले कौन सा फ्रैक्शन लिखा हुआ है? ग्रेटर. देन स्मॉलर, स्मॉलर, स्मॉलर. तो इन दिस वे अरेंज व्हेन ऑल द न्यूमरेटर्स आर सेम. Then we arrange the fraction in this. जब numerator same है उस वाले fractions को हम किस तरीके से arrange करते हैं ये बताए in B part. Now students, C and D part. Question number 2. C and D part. Self doing homework. Clear? सी और डी आपको क्या करना है? होमवर्क में सॉल्व.
Now all of you clear? Again I revise in ascending order. If like fractions are there, it means all the denominators are same. Like maybe हमने दो चीज type की यहाँ पे पढ़ा है, तो denominators अगर same है तो हम numerators का comparison करेंगे. Numerators में जो digit सबसे छोटी होती है वो सबसे पहले आएगी, और जो डिजिट बड़ी होती है सबसे वो लास्ट में आएगी. तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया. अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में जब न्यूमरेटर्स सेम डिफरेंट है एंड डिनोमिनेटर्स सेम है, तब हम सारे न्यूमरेटर्स का कंपैरिजन करेंगे. जो सबसे बड़ा होगा वो पहले आएगा और फिर छोटा वाला लास्ट में आएगा. क्लियर? नाउ द सेकेंड थिंग रिवाइज, सेकेंड चीज थिंग इसमें हमने क्या रिवाइज किया? हम रिवाइज करेंगे बच्चों इसमें, सॉरी, कि सबसे पहले अगर हमें न्यूमरेटर सेम है, असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट न्यूमरेटर्स आर सेम, तब हम सबसे पहले क्या चीज देख रहे हैं कि जिस न्यूमरेटर में जो डिजिट सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी, तो वो वाला फ्रैक्शन पहले आ जाता है और फिर हम इस तरीके से अरेंज करेंगे. अब डिसेंडिंग में चले, डिसेंडिंग की बात करें, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो डिसेंडिंग में जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो पहले आता है, क्योंकि वो ग्रेटर होता है तो वो फ्रैक्शन सबसे पहले आ जाता है. नाउ इट्स क्लियर? यहीं पे बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, इसीलिए मैंने बार बार इसको रिपीट किया है ताकि आप लोग इसको जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको ये चीज लर्न हो जाएगी कि अगर हमारा डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर्स सेम है, अगर हमारे न्यूमरेटर्स डिफरेंट है और डिनोमिनेटर्स सेम है तो हम क्या करते हैं. क्लियर?